कौशल और उद्यम विकास केंद्र सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यही वजह है कि युवाओं की कौशल क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इलाहाबाद में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खुलने से युवाओं को फायदा हो रहा है। हम इस कौशल विकास योजना से बहुत प्रभावित हैं, बहुत ही लाभान्वित हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना है। इससे बहुत से बच्चे, युवा वर्ग और जो बेरोजगार हैं, जो आज की डेट में रोजगार करना चाहते हैं या सेफ से कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे युवाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी इस योजना से हम लोगों को आगे चल के भविष्य में रोजगार के लिए बहुत से अवसर मिलेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर मेरा ट्रेड है और मैं कंप्यूटर ऑपरेटर से मैं क्या नाम गवर्नमेंट जॉब भी कर सकती हूँ। इससे अगर मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब भी ना मिली तो अपने रोजगार चलाने के साइबर कैफे भी खोल सकते हैं। हम यहाँ पे कम पैसों में अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। केंद्र सरकार का प्रयास है कि इन केंद्रों पर जरूरतमंद युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिले ताकि रोजगार के लिए उन्हें दिक्कतें ना हों। जो हमारी स्किल डेवलपमेंट है संस्थान कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, इसके अंतर्गत दो तरीके के पाठ्यक्रम चलते हैं। एक CTS के आता है जो एक साल का दो सेमेस्टर में होता है, जो बेसिक लेवल पे होता है। दूसरा CST के अंतर्गत आता है जिसमें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी एक साल का होता है परंतु दो सेमेस्टर के अंतर्गत होता है। इस योजना का महिलाओं के लिए बहुत अत्यधिक फायदा है, जो समझ में आता है। इतने सालों में हमारे बच्चे बहुत जगह प्लेसमेंट हुए हैं, जितने भी ITI यहाँ पे खुले हैं, हर ITI में, UP के हर ITI में एक स्टूडेंट RBTI का आपका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत स्वरोजगार का है, अपना भी चला सकते हैं बच्चे, कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट के अंतर्गत। और कहीं पे भी वो, जैसे अब तो कॉलेजों में भी वोकेशनल कर दिया गया है, उसमें भी बच्चे जा सकते हैं, बाहर कंपनियों में भी बच्चे जा सकते हैं। तो अधिक से अधिक हमारे बच्चे सब जगह लगे हैं और महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। केंद्र सरकार बहुत ही अच्छी ये सरकार है जो कि इस तरीके की काफ़ी योजनाएं लाई है। प्रशिक्षार्थियों के लिए ये केंद्र कितने ज़रूरी हैं, आइए जानते हैं। कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हूँ और ये मोदी जी की वजह से हम लोगों को यहाँ करने का मौका मिला है अच्छा। और इसके लिए हम लगा यहाँ से हम लोग को गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती तो भी हम अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं, अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं और अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं ऑफिस मैनेजमेंट ट्रेड से RBTI इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही हूँ, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया एक योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैं इसके थ्रू अपनी स्टेट के थ्रू पढ़ाई करने के बाद एक सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ, अगर गवर्नमेंट जॉब लगी तो। अगर हम उस फील्ड में नहीं जा पाए तो हम धन्यवाद देते अपने प्रधानमंत्री का, उन्होंने एक ऐसा संस्थान चलाया इसके द्वारा हमें इतना ज़्यादा मतलब कुशलता मिल पाई है अपने स्टेट में कि हम प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना चाहें तो बहुत सारे फील्ड हमारे लिए हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं। भविष्य के बाजारों के लिए कौशल विकास से लेकर मानव संसाधन विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बेहद अहम है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी पूर्ण लाभ मिलेगा।